पंचकुला के पिंजौर में 27 साल की विवाहित महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लड़की के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि पंचकुला के पिंजौर में रहने वाली अनीता की शादी 2018 में हुई थी और वो 4 महीने से गर्भवती भी थी। मृतक लड़की के पिता ने बताया कि उसकी अनीता का ससुराल वालों से झगड़ा चल रहा था। वहीं पिता जनकराज के बयानों पर ससुराल पक्ष पर 304B के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मारा गया बेटी को। कितने साल की थी आपकी बेटी? कितनी उम्र? 27 साल की बेटी थी मेरी। अभी 2017 में शादी की थी मैंने। एक गुड़िया उनके पास 3 साल की और 4 महीने का पेट में है बच्चा। आपको कैसे लगता है मारा गया? कुछ ऐसी बातें हुई थी? हाँ जी, वो घर में रहता था झगड़ा। तो अब आप समझ जाओ, 4 महीने, एक गुड़िया पहले से है, 4 महीने का पेट में भी है। तो गुड़िया से पहले ही दिक्कत थी जो है, और फिर पेट में अभी इन्होंने चेक कराया है, क्या किया है वो सारा तो इन्हीं को पता है। तो किस पे चल रहे आप? अब सब पूरे परिवार पे ही जाते जी। कौन कौन चल रहे? लड़के की माँ है, लड़का है, इसका देवर है, सब है। और जब मारा गया तो सब पूरा परिवार घर में ही है, तो पूरे परिवार से ही होना चाहिए ना पूछताछ। तो क्या हुआ, कैसे किया? उनके द्वारा क्या बताया गया आपको, कैसे मौत हुई? उनके द्वारा तो मेरे को फ़ोन करके ये बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। तो मैंने पूछा कैसे किया, बोले पंखे से लटक दी है। ये कल हमारे पास सूचना मिली थी कि रतपुर कॉलोनी में एक अनीता नाम की लेडीज़ ने फांसी खा ली, तो कार्रवाई के लिए हम पहुंचे थे। वो कल रात 12:30 बजे के करीब घटना थी। उसके बाद वहाँ पर FSL टीम को बुलाया गया, मौका मुलाजा करके FSL की टीम के द्वारा मौका मुलाजा किया गया। पुलिस द्वारा उसके जो लेडीज़ थी अनीता, उसके फादर, उनकी दरख्वास्त पर हमने अनीता की ससुराल वालों के खिलाफ 304B का पर्चा दर्ज कर दिया। कल पोस्टमार्टम के लिए कालका SDH कालका लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं थे, उन्होंने हायर अथॉरिटी के लिए रेफ़र कर दिया था। बॉडी को आज यहाँ अपने पंचकुला सेक्टर 6 में लेके आए हैं। यहाँ भी अनीता का पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके बाद जैसे अपने फर्दर प्रोसीडिंग होगी, नियमानुसार अनुसंधान अमल में लाया जाएगा। देखो, इस बारे में तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ना। वहाँ डॉक्टरों ने ये बात नहीं बोली थी कि सुसाइड नहीं है, डॉक्टरों ने बोला था कि हमारे में कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। ससुराल पक्ष ने महिला की मौत को खुदकुशी बताया है, जबकि लड़की के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। बहरहाल, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।